हाँ हेलो, क्या सब रेडी है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ। हाँ हाँ मैं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अभी के अभी आ रहा हूँ मैं। तो गाइस यार, आज के सारे लकी बॉक्सेस का इंतजाम हो चुका है। आप यार फटाफट से गैस करो आज कौन से लकी बॉक्सेस होने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं उनके घर पे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लकी बॉक्सेस मंगवाए, तो उनके घर पे अभी हम फटाफट से यहाँ पे आ चुके हैं। अपन यहाँ पे अंदर ले लेते हैं, और वो सामने वो खड़े और सामने लकी बॉक्सेस भी दिख रहे हैं। गाइस यार फटाफट से बता दो यार, कौन से लकी बॉक्स आपको ये लग रहे हैं? जी हाँ, आज हम लेने आए हैं फ्री फायर के लकी बॉक्सेस, क्योंकि आज की क्लास के लिए हमने यार डीजे आलोक से लिए है ये वाले सारे के सारे लकी बॉक्सेस। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो सभी क्लास के बच्चों ने बोला था उनको फ्री फायर के लकी बॉक्स खोलने, तो मैंने डीजे आलोक से यार पूरी डील कर ली और पूरे के पूरे लकी बॉक्सेस ले लिए। अरे तुम मेरे को एक बात बताओ, ये लकी बॉक्स तुम लेके कैसे जाओगे? वो तो मैंने सोचा नहीं है, रुको मेरे पास एक आईडिया है। तो गाइस यार अभी मैंने अपनी कार के ऊपर सारे के सारे लकी बॉक्सेस को रख दिया है, और मैं सीधे जाने वाला हूँ अपनी क्लास में, क्योंकि यार आधे घंटे में मेरी क्लास का टाइम होने वाला है। तो फटाफट चलते हैं, सारे के सारे फ्री फायर के लकी बॉक्स हमने रख लिए, चलते हैं सीधा अपनी क्लास में। आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, और यार शिनचैन को फ्री फायर तो इतना ज्यादा पसंद है यार, तो फटाफट से चलते हैं अपनी क्लास में। तो हम आ चुके हैं अपनी क्लास में। तो बच्चों कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हैला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हमारे साथ है हमारे नए दोस्त एडम, जो कि आए हैं फ्री फायर से। तो गाइस सर ये आज हमारी क्लास में पढ़ने वाले, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बच्चों आखिरकार जो तुमने बोला था, मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ फ्री फायर के लकी बॉक्सेस, और आज हम इनको खोलने वाले। तो आपको तो पता ही क्या होने वाला है, मैं पूछने वाला हूँ तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस, और जो भी सबसे पहले और सही आंसर देगा उसको सबसे पहले लकी बॉक्स खोलने का मौका मिलेगा। तो यार फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते। तो कौन कौन एक्साइटेड है? तो चलो यार बिना किसी देरी के चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ यार, फादर ऑफ जियोमेट्री किसको कहते हैं? सर 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 मुझे पता है। क्या एडम तुझे पता है? फटाफट से बता दे। सर महात्मा गांधी को। है? है? ये क्या बोला? नहीं नहीं गलत जवाब, चुपचाप के बैठ पीछे। किसी और को बताएगा फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहते हैं? एनीवे की मुझे तो नहीं पता है। अरे तुमको पढ़ा तो था। एनीवे की मेरे को तो याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं है। हमें भी याद नहीं है। तो चलो यार अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है? हैला मुझे पता है, मेरी माँ ने मुझे बताया था। हाँ बताओ क्रिश। स्टैचू ऑफ यूनिटी। बिल्कुल सही जवाब, इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यार सबसे पहला आज का फ्री फायर का लकी बॉक्स खोलने वाले हैं हमारे क्रिश। फटाफट से खोलो। अरे एक तो खुलता नहीं है यार इनसे, और ये खुल क्या? ये क्या है, एक लकी बॉक्स में दो दो चीजें, और ये कौन सा कैरेक्टर है? गाइस यार मुझे यार फ्री फायर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो आप यार फटाफट जाइए कमेंट में यार इस वाले कैरेक्टर का नाम बता दो। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, और ये बाइक को भाई कैसे यार गोल गोल घुमा रहे। तो गाइस यार फटाफट से मुझे इस कैरेक्टर का नाम यार कमेंट में बता दो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है। और ये क्रिश बन चुका है ये वाला कैरेक्टर, और ये क्या ही बाइक चला रहा है, बहुत बहुत भाई भाई ये तो क्या ही स्टंट मारा। गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक वाला कैरेक्टर है, इसका नाम मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा मस्सा लग रहा है। अच्छा है मैंने दूध पी लिया था, अब मुझे बाइक भी चलाना आती है। हे हे मजा आ रहा है। अरे गिर गया। तो क्रिश तो यार कुछ खतरनाक सा कैरेक्टर बन चुका है, मुझे पता नहीं, आप नाम जरूर बता देना। तो अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बता जो दो टाइप के कौन से एक्लिप्स होते हैं, दोनों एक्लिप्स के नाम बताओ। सर मुझे पता है इसका आंसर है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। अभी तो रो क्यों रहा है? बिल्कुल सही जवाब मसाओ ने दे दिया, बिल्कुल सही जवाब सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। और मसाओ खोलने वाला है लकी बॉक्स, और एक ही बारी में खोला, और ये क्या चीज है? एक सेकंड मुझे इसका नाम पता है, इसका नाम है पर्पल एजेंट, नहीं पर्पल विलेन। अरे यार क्या नाम था इसका, मुझे याद नहीं है। गाइस यार आपको क्या पता है इसका नाम क्या था? फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक, क्या ही स्टंट मारे, और ये क्या भाई साहब क्या ही मारा उसको भाई। मसाओ को तो बहुत ही खतरनाक शक्तियां मिल चुकी है। अरे सर इसने मारने में तो बहुत मजा आ रहा है, ये ले। ओ भाई साहब ये क्या मारा इसने। गाइस यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसका नाम मुझे अभी कमेंट करके बताओ क्या नाम था इसका, मेरे को याद नहीं आ रहा। क्या नाम? पर्पल वेलवेट केक। अरे नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो छोड़ो गाइस यार आप ही बता देना, मुझे तो याद नहीं आ रहा। चलो और अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? सर इंडिया में। अरे इंडिया में कहाँ, इंडिया में तो है वो, तो मेरे को भी पता है। सर मुंबई में। बिल्कुल सही जवाब आयरन मैन ने दे दिया, बिल्कुल सही जवाब गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। अब आयरन मैन खोलेगा फ्री फायर का बड़ा सा लकी बॉक्स, देखते हैं इनको क्या मिलता है। और ये क्या भाई, ये कौन सा है भाई, ये कैरेक्टर के नाम मुझे जानने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी। गाइस यार ये यार आयरन मैन को खतरनाक सा कैरेक्टर मिल गया, और ये क्या ही उड़ते हुए यहाँ से गया, और ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। फ्री फायर के सारे सारे कैरेक्टर इतने ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं? गाइस यार इसका फटाफट से मुझे नाम बता देना, और आयरन मैन ने अपनी शक्तियां भी
यूज कर रहा है इसमें, और ये कैसे तो गाड़ी का पूरा कचुंबर बना दिया भाई, पूरी की पूरी गाड़ी को ही पिघला दिया। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब मेरे को लग रहा है गोल्ड का कैरेक्टर है, पर आप मुझे नाम जरूर बता देना। इसके सारे सारे टायर ही बाहर निकाल दी गाड़ी के इसने तो। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक वाला सूट है, कितना ज्यादा मस्त है। अच्छा है मैंने फ्री फायर का लकी बॉक्स खोल लिया। तो यार आयरन मैन को तो बहुत ही खतरनाक सा सूट मिल गया। तो चलो यार अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ फादर ऑफ चेस गेम कौन सी कंट्री को कहा जाता है, मतलब यार सबसे ज्यादा खतरनाक चेस कौन सी कंट्री खेलती है, कौन बताएगा? सर इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। हाँ बताओ हल। सबसे खतरनाक जो कंट्री चेस खेलती है उसका नाम है इंडिया। बिल्कुल सही जवाब हल्क ने दे दिया, बिल्कुल सही जवाब। और ये खोलने वाला डीजे हालू का लकी बॉक्स, और इसने खोल दिया। और एक सेकंड, ये कौन सी गाड़ी है भाई? फ्री फायर में क्या क्या चीज है, मुझे लगता है फ्री फायर खेलना चालू करना पड़ेगा भाई। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, स्कॉर्पियन जैसी कुछ गाड़ी है, और ये तो उड़ भी रही है। अबे भाई हल्क उड़ा के ले गई वो इतना ज्यादा भारी भड़कम आदमी को, इस गाड़ी ने पूरा हवा में उड़ा दिया भाई। ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या गाइस इस गाड़ी का भी कुछ नाम है, मुझे फटाफट से कमेंट में बता देना, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। और एक सेकंड, ये तो पानी के ऊपर भी चल रही है भाई। भाई मैं जा रहा हूँ फ्री फायर खेलने, गाइस मैं जा ही रहा हूँ, मतलब बस ये क्लास खत्म करके मैं और शिनचैन बैठ के फ्री फायर खेलेंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं पूछने वाला एक मैक्स का क्वेश्चन। तो मुझे बताओ 7 × 7 + 4 + 5 + 2 कितने होते हैं? गाइस फटाफट से कमेंट करो, और तुम में से कौन बताएगा? अरे विकी में मुझे पता है इसका आंसर है 60। अबे तेरे को कैसे पता चला भाई, इतनी जल्दी कैसे बोल दिया? अरे विकी मैं पता भी कैसे, थैंक यू लकी बॉक्स के लिए। तो गाइस अभी शिनचैन अपना खोलने वाला लकी बॉक्स, और अभी तक मुझे विश्वास नहीं है कि इसको कैसे पता चला। और ये क्या, ये कौन है? एक तो भाई फ्री फायर मेरे को खेलने जाना है यार, जल्दी क्लास खत्म करो। तो गाइस फटाफट से इस कैरेक्टर का नाम बता दो, जो कि यार अभी ये ऑटो लेके जा रहा है कहीं ना कहीं पे। भाई ये क्या ही कूल सा कैरेक्टर था, उसके बाल मस्त से लग रहे थे, और ये शिनचैन बन चुका है। अरे विकी वैसे आपको एक चीज बताऊं? अरे हां बता शिनचैन। अरे विकी में जो आपने मैक्सी क्वेश्चन दी थी ना, अरे वो मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व कर ली थी। अरे वही मैं सोचो भाई, देखो आंसर मिला कैसे? तो गायत्री शिनचैन ने चीटिंग करी थी, पर कोई बात नहीं। अब ये फ्री फायर कैसे लकी बॉक्स तो खोल ही ले, अब बचे हमारे सिर्फ एडम भाई। अरे एडम भाई पढ़ाई नहीं करके आए थे क्या? सॉरी सर यार पढ़ना भूल गया था, मैं सोच रहा था आज तो फ्री फायर के लकी बॉक्स खोलने के मिलेंगे, कौन पढ़ाई करता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप हमारी पहली बार आए हो तो आप यार लकी बॉक्स ऐसे ही खोल लो। तो गाइस यार अभी ये खोलने वाले बड़ा सा फ्री फायर का लकी बॉक्स, और इन्होंने ही खोल दिया। और एक सेकंड भाई साहब, ये जमीन के अंदर चले गए थे अभी की भी। और ये क्या है भाई, ये कौन सा कैरेक्टर? गाइस यार इसका भी मुझे फटाफट से नाम बताओ, ये कितना खतरनाक है भाई, ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसके सींग विंग आ रखे हैं, और इसकी पावर्स तो मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ओ भाई साहब ये क्या किया भाई, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। गाइस फटाफट जाके इसका नाम बता दो मुझे अभी की अभी, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये एडम तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला कैरेक्टर बन चुका है, ये तो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक लगा मुझे। अब फ्री फायर की दुनिया में सिर्फ मेरा राज होगा। तो अभी सिर्फ यार एक ही लकी बॉक्स बचा है, तो क्यों ना यार इसको भी खोल लिया जाए। तो इसको भी मैंने खोल दिया। और ये क्या भाई, डीजे आलोक। भाई मेरे को सिर्फ एक ही कैरेक्टर पता है पूरे गेम में जिसका नाम है डीजे आलोक। गाइस यार अभी मैं वो बन चुका हूँ, ये तो बहुत खतरनाक है, और इसकी पावर्स तो होती ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी देखो एक चीज दिखा दो, ये निकल यहाँ से। और भाई साहब क्या ही मारा मैंने इसको, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। और एक सेकंड यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे अरे वेलवेट केक, नहीं नहीं क्या क्या नाम था मेरे को याद नहीं। गाइस यार आप फटाफट से इसका नाम बता देना। इतने सारे कलर के भाई ये यहाँ पे एजेंट आ चुके हैं, इनको क्या बोलते हैं मुझे सही में नहीं पता। एक काम करते हैं इनको मारते हैं, मुझे पता है कि इनको मारना पड़ता है, बस इतना ही पता है मुझे, इनके नाम वाम कुछ नहीं पता। तो गाइस इनको फटाफट से मैं मार लेता हूं। चलो यार ये तो आते रहेंगे। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड एंड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर जॉइन फॉलो कर लेना, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अबे चल निकल पर्पल वाले।